दोस्तों सना ठाकुर, दोस्तों एक सवाल कई बार अक्सर पूछा जाता है कि ज़्यादा किसको अपन भाव दें, सेलर को ज़्यादा पीछे पड़े या बायर के पीछे, कौन ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ओनर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों में से भी। ठीक है, तो अगर कि किसको ज़्यादा, वो उसने लिखा था एग्जैक्टली किसके पीछे ज़्यादा पड़े, तो जो सेलर है मतलब जो प्रॉपर्टी ओनर है वो अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेटर होता है। अब ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ तो इसके पीछे रीज़न आप समझो। आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी खरीदने वाले तो बढ़ते जाएंगे, बराबर है, तो आएंगे ही आपके पास। दूसरे ब्रोकर के थ्रू भी आप उन काम कर सकते हैं, बराबर है। आप प्रमोट करते हो, सब जगह डाल देते हो, तो बायर तो आते जाते रहते हैं। बायर को मैं भाव भी नहीं देता। अगर मान लो ओनर ने आपको बोल दिया कि भाई कुछ भी हो जाए मैं सनत ठाकुर से ही सेल करूंगा प्रॉपर्टी, तो आपका तो पैसा उसी दिन बन गया ना। भाव देने का मतलब समझ रहे हो, उसको पूरा बॉटल में बंद कर लिया, वो जो आप बोलते हो वो करता है, तो आपका तो पैसा उसी दिन होता है जिस दिन उसने प्रॉपर्टी मार्केट में डाल दी, लिस्टिंग कर लिया आपके साथ। फॉरेन वगैरह में तो लिस्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं कि भाई यही खाली एक्सक्लूसिव आपके लिए ही वो काम, मतलब आप ही उसका देखोगे, कोई भी करेगा तो आपको पैसा आना ही आना है। कई तो भी लोग हैं जो इतनी अच्छी सर्विस देते हैं उन्हीं से, तो फिर उसके मजे रहते हैं। मोनोपोली होती है ना वैसे, कि जो करना है डायरेक्ट फोन करके देख लो, सब कर लो, ये ओनर कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरे से सेल करेगा, तो वो तो आपका पैसा है समझो सीधा सीधा। तो मैं ज़्यादातर सेलर को ज़्यादा मानता हूँ। अब भाव देने की बात नहीं, अब बायर है तो बायर भी अच्छे ही हैं अपने लिए, क्या है। पर कैसा होता है, ये सेलर तो एक है, बायर कैसे है 100 है, वो 10 ब्रोकर के साथ भी घूम रहे हैं। सेलर को अपन ने अपने जेब में रखा हुआ है तो ये हमारे लिए है, और बायर कैसा है 1760 लोगों के साथ घूम रहा है, ऑनलाइन भी देख रहा है, डायरेक्ट भी देख रहा है, बिल्डर का भी देख रहा है, इधर देख रहा है, तो ज़्यादा उसको कितना अपन कंट्रोल करेंगे कि मेरे से ही लो, ऐसे रोक नहीं सकते। और कितना भी वो बोलेगा ना कि मैं आपके भरोसे बैठा हूँ, आप मान के चलो वो झूठ बोल रहा है। आप खाली दूसरे नंबर से एक आदमी जिससे आपने बात किया कि सर ये मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको सर्विस दूंगा, कहीं नहीं जाना, बोलेगा हाँ हाँ ठीक है। आप दूसरे नंबर से कॉल करो या किसी को करवाओ कि सर एक प्रॉपर्टी है, आप कुछ खरीदना चाहते हो क्या, बोलेगा हाँ हाँ उसके साथ भी देखने जाएगा। उसको नहीं मालूम है ना कि ये सनती दूसरे नंबर से खाली कॉल करवा रहा है, तो आपके खुल जाएंगे, और ये आदमी पे तो ये बोला था मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, उसने 5-10 लोगों को एंगेज किया है। कभी कभी होता है ना मार्केट में, ऐसे आएगा कोई 3 BHK है क्या फुली फर्निश, तो भाई मैं देख रहा हूँ तब तक मैं एक और फलाना, एक इसका ब्रोकर का फोन, उसका ब्रोकर का, इसका फोन, मेरे को लगता है आजकल 3 BHK बढ़े जा रहे हैं। पता लगा एक ही क्लाइंट था, उसने 20 लोगों को काम पे लगा रखा है, कि और 20 लोग अपना चालू है दिन भर, एकदम जेन्यून हाथ में पैसा लेके, चेक है एकदम खत्म करना है, और भाई सब भाग रहे हैं। तो ऐसा होता है, तो ये चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा ओनर के ऊपर काम करना है। अब ओनर कहाँ से मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है। ओनर ढूंढने के लिए आज के डेट में ज्यादातर आप सोचोगे ऑनलाइन मैजिक ब्रिक 99 एकर, वो तो दुनिया देख रही है, वहाँ पे तो दाल गलेगी नहीं, वहाँ पे तो बहुत जो चैंपियन है वो तो बाजी मार जाएगा। नए लोग, सिंपल सादे लोग, ज़्यादा यूट्यूब कौन देखता है, पुराना जो हो गया 5-10 साल वो तो शेर बन के घूम रहा है, वो बोलता है एक सनत क्या सिखाएगा मेरे को, आई नो ऑल, मेरे को तो सब मालूम है यार। तो आप लोग सीखते हो ना, आपको बता रहा, उनको भी कैसे कॉम्पिटिशन दे सकते हो। डेटा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए। कोई पैदल भाग रहा है, आप साइकिल से हो तो कौन जीतेगा, और कोई साइकिल से, आप स्कूटर से हो, फर्क पड़ता है ना, टूल्स क्या यूज कर रहे हो आप। वो डंडे से लड़ने आया, आप बंदूक से लड़ रहे हो, तो मेरी ताकत का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा फन्ने का, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। लेकिन अगर आपके पास डेटा है और आप उसके ऊपर पहले ही मार्केट में जाने से पहले उसको पिच कर लेते हो, उसको मैसेज भेजते हो, उसको कॉल कर लेते हो, उसको मेल करते हो, और प्रॉपर्टी आ जाती है, आप भारी पड़ोगे उनके ऊपर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल है। वो अपने यहाँ आएगा, वो दिन लग गए, पहले जैसे आते थे ना लोग कि आपने दुकान पे आएंगे चल के और सामान लेने, अभी घर पे जाके देना पड़ता है, खुद फोन करना पड़ता है। पहले कैसा था ना, टेलीफोन कनेक्शन 10 साल में आएगा, गैस कनेक्शन 20 साल में आएगा, अप्लाई करो, वेटिंग है। अभी कैसा है, मोबाइल सिम जगह जगह लाके आप फोन करो तो सिम दे के जाते हैं। हेलो, मैं खुद था BSNL का सिम लेने के लिए, हम लोग वसीला लगाते थे, आर्मी से लेटर लिखाते थे कितना इंपॉर्टेंट है, और एक सिम देने के लिए इसको उसको चाय पानी पिलाते थे। आज देखो क्या हालत है।
तो जमाना बदल रहा है, अपने को वहां पे जाना पड़ेगा, उनको यू नो ये करना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टी डेटा से ही रहेगा, तभी आप चैंपियन रहोगे। तो प्रॉपर्टी निकाल दो, अभी काम भी कहाँ पे करो, ओनर पुरानी जगह पे जाओगे ना, सर फोड़ी है, जहां 10-15 साल हो गया, 20 साल के बाद उस एरिया में कुछ दम नहीं बसता, समझ गए, वो उधर काम करने लायक नहीं है। जो फ्रेश है, शुरू के 3 से 5 साल में जो प्रॉपर्टी है उसी पे ध्यान दो, और वो बेस्ट होनी चाहिए प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा रिजेक्टेड चीज पे क्यों काम करते हो जब आपके पास 10 ऑप्शन है। मान लो आपको आम लेना है, हाँ, आ सामने वाला 1 केजी आम है, आपकी 1 केजी जरूरत है, तब तो आप क्या करोगे, बोलोगे दे दे भाई जो भी है तेरे पास, काला पीला पिलपिला, यू नो कच्चा पक्का टेढ़ा मेढ़ा जो भी है ले लोगे, क्योंकि चॉइस नहीं है। बट अगर सामने वाला 1 ट्रक आम है, आपको 1 केजी लेना है, तब कैसे लोगे, उठाओगे देखोगे थोड़ा सा ये यू नो ज्यादा पक गया है, थोड़ा ये कच्चा है, थोड़ा ऐसा है। तो अपने पास इतना सारा सेल करने के लिए चॉइस है, इतने बिल्डर हैं, तो बेस्ट के पास जाओ ना। और बेस्ट भी कैसे, जो खुद अग्रेसिवली खुद का प्रमोशन में भी पैसा डाल रहा है, सब काम कर रहा है, जो एक ठंडा बैठा हुआ है उस लटके हुए प्रोजेक्ट में मत यू नो अपना टाइम वेस्ट करो। और दूसरा एक चीज़ है कि कभी भी गलत चीज़ मत बेचो यार क्लाइंट को, समझ गए। तो वो एक चीज़ मैंने अभी कल गया था तो ऐसे कि यार यहाँ ज़्यादा दे रहे हैं ब्रोकरेज, तो अपन बेच देते हैं, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, मैं कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जब मेरे दिल में ही नहीं है कि ये सही चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं करता। चलो बात आती तो समझ गए, ओनर आपके पास होना चाहिए, ये रिसेल की बात कर रहा हूँ, रेंटल में तो पूरा ओनर की दादागिरी चलती है, ओनर से ब्रोकरेज मैं नहीं लेता बॉस, ये नौबत है, मतलब फ्री में सर्विस देते हैं हम लोग ओनर को, क्योंकि नो ब्रोकरेज के पास सब भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि ओनर को तो अपन छोड़ेंगे तभी तो अपने पास आएंगे, नहीं तो बोलेगा वो फ्री में कर रहा है, हम क्यों पैसा दें। दूसरा चीज, रिसेल में भी ओनर को भाव है, पर प्राइमरी सेल में लीड के ऊपर ज्यादा है, वहां पे बिल्डर है, उसके पास हजारों प्रॉपर्टी है, वहां पे आपको बायर जो यू नो खरीदार है उस पर फोकस करना है, क्योंकि ये कहीं भागने वाला नहीं है। तो ये चीजों के ऊपर आप काम करोगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे ऐसा मुझे लगता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो कितने तो भी लोग है बोलते हैं आजकल वीडियो नहीं बना रहे, मैं क्या बात कर रहे हो यार, हर दूसरे दिन वीडियो आता है, आप बोल रहे हो क्यों, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं है तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।